एवरीवन, वेलकम टू रानीज गुड फूड। आज हम लौकी बनाएंगे। ये मैंने आधी लौकी ली है, वैसे देखें तो 250 ग्राम है। ऊपर का छिलका निकालकर, अंदर के बीज निकालकर साफ कर लिया है, मैंने धो लिया है। थोड़ा सा मटन लिया है, चार पांच पीस है मटन के। आप चाहे तो मटन बढ़ा भी सकते हैं। मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। टमाटर दो है, बारीक कट कर लिए है मैंने। प्याज बड़े साइज की एक है, बारीक कट कर ली है। तीन से चार बेलीफ है, थोड़ा सा काला फूल है। दो इलायची, करण फूल आधा है, छोटे साइज की बड़ी इलायची, काली इलायची, दालचीनी एक टुकड़ा है 1 इंच का, 5 लवंग है, 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा है, सूखे नारियल का, इसे भून लूंगी। ये भुना हुआ चना है 1 चम्मच। प्याज को भी मैं भून लूंगी। मैंने गैस ऑन करके लोहे का तवा गरम रखा है, प्याज भूनेंगे। आप चाहें तो 1 चम्मच तेल डाल सकते हैं। प्याज को पूरी तरह से लाल कर लेंगे। प्याज देखिए 50% लाल हो गई है। गैस का फ्लेम हाई है, गैस का फ्लेम आप कम कर लेंगे और ये सारे गरम मसाले इसी में डालकर भूनेंगे और ये भुना हुआ चना भी डालेंगे। मीडियम फ्लेम रखकर प्याज को भी लाल करेंगे और सारे मसाले भी भुन जाएंगे इसमें। दो मिनट के बाद प्याज का कलर ऐसा हो गया है और मसाले भी हल्के भुन गए हैं। अब इसी में मैं ये सूखे नारियल का बुरादा डालूंगी, इसको भी हल्का भून लूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम है। ये देखिए मसाला भुन गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसका बारीक पेस्ट कर लूंगी। गैस को मैंने पहले से ऑन करके कढ़ाई गरम रखी है। गैस का फ्लेम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। मैंने जब हरा धनिया कट किया था तो उसमें थोड़ा हरा धनिया गिर गया है। तेल को बहुत ज्यादा गरम नहीं करेंगे क्योंकि आज हम तड़का अदरक लहसुन के पेस्ट से लगा रहे हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तेल ज्यादा गरम करेंगे तो सब तरफ उड़ जाएगा। दो मिनट तक अच्छे से भूनेंगे अदरक लहसुन को। गैस का फ्लेम कम कर लेंगे। 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये सादी वाली लाल मिर्च है, बैड़गी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज्यादा नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ये डालेंगे। तेल में मिर्च और हल्दी डालने से ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन तेल में मिर्ची जलने का बहुत ज्यादा डर होता है। गैस का फ्लेम कम करके जल्दी से टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने से क्या होगा, जो टमाटर का पानी है तड़के में चला जाएगा और तड़का ठंडा हो जाएगा, इसके अंदर की मिर्च पाउडर जलेगी नहीं। गैस का फ्लेम बड़ा कर लेंगे, टमाटर के गलने तक पकाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। टमाटर काफी हद तक गल गए हैं। जो मैंने मसाला मिक्सी जार में पीसा था वो डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, जो बाकी टमाटर है ग्रेवी के साथ गल जाएंगे। मसाला पक रहा है, अब इसमें हम ये मटन ऐड करेंगे।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मटन की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, मैं बस बहुत थोड़ा सा डाल रही हूं। अब लौकी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। बहुत टेस्टी बनती है ये ग्रेवी, एक बार ट्राई जरूर करना। मैंने जो मसाला पीसा था वो जार दो कर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, 1/2 कप उतना। गैस का फ्लेम बढ़ा कर लेंगे। आप अगर ग्रेवी थिक खाना चाहते हैं तो पानी कम ऐड करें, वैसे ये अभी काफी थिक है ग्रेवी, और पकने के बाद और थिक हो जाएगी, इसमें और पानी ऐड करना पड़ेगा। मैं और 1/2 कप उतना पानी ऐड करूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, नमक और मिर्च टेस्ट कर लूंगी। इसमें बस थोड़ा सा नमक कम है, मैं 1/2 चम्मच नमक ऐड करूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे, ढक्कन ढक देंगे और लौकी के गलने तक पकाएंगे। ओपन कर लेते हैं। मैंने गैस का फ्लेम कम करके 15 मिनट तक इसको लौकी को गलने छोड़ा था, लौकी काफी बड़े साइज की थी। ये बन गई हमारी मटन और लौकी की ग्रेवी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है ना। आप एक बार ट्राई जरूर करना, आप ट्राई करेंगे तो आपको पसंद आएगा, तो फिर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए गैस बंद कर लेते हैं और इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही स्पाइसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खूब सारी रेसिपीज ट्राई करें, खूब खुश रहें। बाय बाय।